जल्दी से दोस्तों टेक टीवी सूरज को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबाइए ये लाल बटन और उसके बाद में आ जाएगा नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबा दीजिए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टीवी सूरज, मैं हूं सूरज चौधरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि CWE में जाने का क्या तो प्रोसीजर होता है और CWE में कितने टाइम ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मेरी पहले वाली वीडियो पे आपने बहुत सारे कमेंट किए कि इस बारे में बताओ और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, जल्दी से इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिए। उसको दबाने से होगा क्या कि अगर मैं ऐसी कोई भी वीडियो डालता हूँ ना तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब करने से भी आ जाएगा और आप हर एक वीडियो को मेरे को मिस नहीं करना चाहते। तो आपको करना क्या है, जल्दी से उस सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक या दो सेकंड के बाद में उसी के पास में नोटिफिकेशन बेल आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं CWE में जाने का प्रोसीजर क्या है, क्या कोई इंटरव्यू है या क्या टेस्ट देना पड़ता है या क्या होता है। तो मेरी बात सुनो दोस्तों, वो CWE ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पे ट्रेनिंग आपको सिखाई जाती है, तो आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं, आप जाइए डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि नहीं हम यहाँ पे टेस्ट होता है या पहले इंटरव्यू लिया जाता है किसी टाइप का या देखा जाता है आप रेसलिंग कर सकते हो नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे जाओ, अपना एडमिशन लो, आराम से डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझना, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो हायर क्लास वाले हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन, अगर आप चाहते हो रेसलिंग करना, तो मेरी मान के पहले एक महीने के पैसे देना 25,000 रुपये, ताकि 25,000 में 15,000 आपकी ट्रेनिंग फी हो जाएगी, 2,000 के शूज आ जाएंगे, 6,000 वहाँ रहने का खाने वाने का खर्चा, इस तरह कैसे करके अप्रोक्स आपके 25,000 रुपये लग जाएंगे। ऑल अबाउट CWE अकेडमी में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, यह आपकी मर्जी है, पैसा आपका है। अगर आप 6 महीने के एक साथ में देते हो और एक महीने बाद में आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो आपके पहले वाले पैसे वेस्ट हो जाएंगे जो आपने सबमिट करा दिए हैं, क्योंकि फीस नॉट रिफंडेबल, हर जगह यही होता है, आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। और अगर आपकी बॉडी ये है, अगर बस आपको लगता है कि आप रेसलिंग कर सकते हो लेकिन आपने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है, तो एक चीज़ और समझ लेना, मेडिकल फैसिलिटी कुछ हद तक हो सकती है वहाँ पे, थोड़ा बहुत अगर आपको कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई वो देखी जा सकती है, लेकिन अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाती है तो उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, वो सब कुछ आपसे साइन करवा लेंगे। अगर कल को आपको कुछ भी होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये आपके ऊपर है, आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, एक चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा सवाल दोस्तों कि कितने टाइम तक हमें वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इसका जवाब है दोस्तों आपके ऊपर, मतलब कि एक स्कूल में जाते हो, एक बच्चा एक बार में सीख जाता है, एक बच्चे को 5-6 बार सिखाना पड़ता है, तो ये आपके ऊपर है, ये हर किसी के अपने ऊपर होता है कि आप कितने टाइम में अच्छे से कर सकते हो। वहाँ पे 3-3.5 साल भी लोगों को हो चुके हैं, कुछ लोगों को 1 साल हुआ है लेकिन वो उनसे भी अच्छा कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आप वहाँ पे स्टार्ट कर लोगे, चलते जाओगे हर जगह, मतलब अभी तो CWE बेसिक प्लेटफॉर्म पे है ना, और जो WWE हैं और हैं वो ट्राई आउट दो, उसके बाद में आप CWE से WWE में जा सकते हो, लेकिन वो बहुत रेयर चांस है। क्या क्या उसमें होना चाहिए उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो CWE में ट्रेनिंग जितनी लो उतनी कम है, जितना हो उसके उतना हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है, ये आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत कर सकते हो। और दोस्तों ये एक कमेंट आया था कि भाई कॉन्टैक्ट नंबर दे दो हमें, कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा CWE की साइट पे जाइए या गूगल पे CWE अकेडमी डालिए, वहाँ पे नीचे CWE अकेडमी के जो ऐप है या कुछ भी है वो ओपन हो जाएगी, उसके पेज का रिजल्ट ओपन हो जाएगा और उस पेज के ऊपर उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। अगर वो नहीं लगता तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे CWE मेंबर्स या कुछ भी सर्च कर लीजिए, वहाँ पे नीचे कुछ पर्संस आ जाएंगे, वहाँ उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप जा सकते हो। तो दोस्तों ये बार बार कमेंट मत कीजिए कि CWE का नंबर दो, मेरे पास CWE का वही नंबर होगा जो आपने गूगल पे सर्च किया है, उसके अलावा मेरे पास CWE का कोई नंबर नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर CWE के बारे में और क्या डिटेल जानना चाहते हो, फीस क्या है, कैसे जाना पड़ता है, उसमें क्या क्या मिलता है, डॉक्टर फैसिलिटी, कोच कैसे हैं, कैसे सिखाया जाता है, क्या क्या खाने में मिलता है,
तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप ऑल अबाउट CW एकेडमी की वीडियो देख सकते हैं। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं उस वीडियो का। उस वीडियो में मैंने A to Z चीज़ें लगभग कवर की हैं, लेकिन उसमें कुछ भी रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे तो उनकी रिप्लाई भी मैंने कर रखे हैं। हो सकता है कि उन्हीं कमेंट में से आपका भी आंसर मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से वो रेड बटन दबा दीजिए। और किस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टार्टिंग में वीडियो के आप देख चुके हो, लास्ट में भी एक बार देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से दोस्तों टेक टीवी सूरज को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबाइए ये लाल बटन और उसके बाद में आ जाएगा नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबा दीजिए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।